Hi guys, welcome to Manual Education. In today's video, we'll talk about who should target CMAT 2023 examination. So do watch this video very carefully and share this video to all your friends, those who are targeting for CMAT or any other MBA entrance examination. Okay. So very first, eligibility wise, if you look at, if you have done with your graduation, so 50% minimum is required to write the CMAT examination. Second, if you are in your final year of graduation, then also you can write CMAT examination. So eligibility wise, clear hai. ग्रेजुएशन अगर अपना हो गया है 50% चाहिए, अगर अपना ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो फाइनल ईयर में हो आप तो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज द वन. सेकेंड, दोज हु आर वीक इन क्वांट, अगर कैट अभी टारगेट कर रहा है, अभी 6 days में कैट है आपका, ठीक है, कैट लेवल का क्वांट अगर प्रिपरेशन नहीं हुआ है और लग रहा है कि मेरा मैथ्स वीक है, आई एम एवरेज स्टूडेंट, तो आप एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत सही एग्जाम है सीमैट, जिसके अंदर मैथ्स का लेवल भी टफ नहीं है, इंग्लिश भी टफ नहीं है, लॉजिक भी टफ नहीं है, तो तीनों सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. सो इफ यू थिंक मेरा मैथ्स वीक है, मेरा इंग्लिश बहुत वीक है और कैट लेवल की प्रिपरेशन मेरी नहीं हुई है, तो आपके लिए सीमैट एग्जाम परफेक्ट है, देन डू टारगेट फॉर द सीमैट. थर्ड, द बेस्ट पार्ट ऑफ सीमैट इज नथिंग बट पैन इंडिया कॉलेजेस एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ सीमैट. जितने भी AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस है, दे ऑल एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ सीमैट. सो दैट इज द गुड न्यूज़. कैट के बाद सीमैट का स्कोर जितने भी इंडिया में कॉलेजेस है वो सारे एक्सेप्ट करते हैं. 500 से ज़्यादा कॉलेजेस, मोर देन 500 कॉलेजेस आर देयर हु एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ सीमैट. अच्छा स्कोर लेके आओ, अच्छा परसेंटाइल लेके आओ एंड टॉप 50 टॉप 100 में एडमिशन लो व्हेन यू कम आउट फ्रॉम योर कॉलेज 2 साल MBA करने के बाद, सो दैट यू शुड गेट गुड प्लेसमेंट. ओके. ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड GK एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो सेक्शन है, ये दो सेक्शन गेम चेंजर आपके सीमैट एग्जाम में हो सकते हैं. बाकी के सेक्शन में यू कैन परफॉर्म वेल. इंग्लिश में आप फोड़ सकते हो, मैथ्स थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया तो मॉडरेट लेवल का मैथ्स आता है, इजी टू मॉडरेट, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एक दो क्वेश्चन टफ हो गए बट वो हर एग्जाम में आता है, तो दैट इज़ नॉट द बिग चैलेंज. उसके बाद लॉजिक में आपका ट्रेडिशनल, क्रिटिकल, एनालिटिकल तीनों से बहुत डिसेंट लेवल पे क्वेश्चन बनेंगे और आराम से आप बना लोगे क्वेश्चन. तो सीमैट में यार अपने पास तीन घंटे है ना, अपने को 100 question करना है, मतलब आधा घंटे की नींद ले सकते हो अगर आप सीमैट अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो आपका 2.5 घंटे 2 घंटे में पेपर आराम से हो जाएगा, ठीक है. बट ये दो एरिया पे डे 1 से काम करो, बट GK वाले इस सेक्शन पे day 1 से काम करो. इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को लेके विल बी डूइंग द सेशन, वर्कशॉप होंगे आपके एंड GK को लेके सेशन, प्लस आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे ऑल द वीडियोस आर गिवन विद रिगार्ड्स टू द GK स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स दोनों को लेके. डू वॉच ऑल द वीडियोस, डू गो थ्रू ऑल द हैंडआउट्स, और जो आपके मेन्यूअर की स्टैटिक GK की बुक है उसको तो अच्छे से कर डालो, दैट इज़ अ वेरी गुड बुक. उसके बाद लूसेंट भी मैं रिकमेंड करूँगा, GK जितना करके रखोगे उतना बेटर है, बिकॉज GK इज़ वेरी वास्ट, जितना रिसोर्सेस आप गो थ्रू कर सकते हो GK को लेके उतना गो थ्रू करो, सो दैट GK में अपना स्कोर अच्छा आना चाहिए. सो आइडली आउट ऑफ 400 इफ यू आर हिटिंग 320-340+, विच मीन्स यू विल बी नियर टू 99.99% एंड विच मीन्स अल्टीमेटली यू विल एंड अप विद द बेस्ट टॉप 10 टॉप 5 कॉलेजेस थ्रू सीमैट. सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो. इन केस इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, वॉन्ट टू जॉइन अस, देन यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर. इफ यू आर मुंबई बेस्ड, यू कैन विजिट आर सेंटर बोरीवली दादर एंड वसई, बट इफ यू आर नॉट मुंबई बेस्ड यू कैन टॉक टू आर ऑनलाइन टीम, यू कैन जॉइन अस फॉर द लाइव क्लास 8828581455. And in case if you want to join for the mock program, self-study program, you want to order the books, all the link I have mentioned in description. Do check the description. And for any doubt and query, you can write in the comment box. And do tell me in the comment box on what topic you want to see next video. All the very best. Thank you.